हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको गणेश चतुर्थी के ढेरों शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी आ चुका है, बस अब तो हमारी सारी रेसिपीज सब गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बनाई जाएगी। लड्डू, मोदक जो भी उनके प्रिय हैं वो अब हम बनाएंगे। तो मैंने भी बनाए हैं बेसन के मोदक, जो कि बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी है और कुछ ही मिनटों में हम इनको बना सकते हैं। और घर में जो हमारे किचन में सामान मिलता है उसी से बनाना है, कुछ भी हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लिया है बेसन और आधा कटोरी लिया है देसी घी। बस ये दोनों चीज़ें हमारे किचन में होती है। और एक कटोरी बेसन में को हम आधा कटोरी देसी घी में डाल के रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे क्योंकि बेसन जो है बहुत जल्दी जलता है नीचे से, फिर वो जलेगा तो बहुत गंदी महक आएगी। दूसरा एक और चीज़ हमने ध्यान देनी है कि बेसन को हमने कच्चा भी नहीं छोड़ना है। कच्चे बेसन की महक जले हुए बेसन से भी ज़्यादा बुरी होती है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हमने बप्पा को भोग लगाने के बाद तो हमने खुद भी खाना है ना, तो बप्पा को भी हम अच्छा खिलाएंगे और उसके बाद उनके भोग को हम खुद भी खाएंगे। बस हम इसे बहुत अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे। मैं इसे लोहे की कढ़ाई मैं इसे स्टील की कढ़ाई में कर रही हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी चाहिए। आप जिस कढ़ाई में करेंगे आप उस हिसाब से कीजिएगा। जब ये रोस्ट हो जाता है तो उसके लम्ब्स भी आपको नज़र नहीं आएंगे और रोस्ट होने के बाद इसके कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बस अब आपको फील हो गया है कि अगर आपका बेसन रोस्ट हो चुका है तो आप इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें लिया आधा कटोरी दूध और आधा कटोरी पानी और आधा कटोरी लिया मैंने इसमें चीनी। इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं लिया इसको बनाने के लिए, बट बनाइएगा बहुत टेस्टी होते हैं। बस आधा कटोरी ये दूध डाला है, उसके बाद में थोड़ा सा आधा कटोरी पानी में थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूंगी, रेड कलर, और उसको मिक्स करके उस पानी को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। तो इसमें थोड़ा लम्ब्स दिखेंगे आपको, तो आपने उन लम्ब्स को अच्छे से उन गुठलियों को ख़त्म करके तोड़ कर इसको बहुत अच्छे से एक अच्छा सा डो बना लेना है। और ये जो डो बनेगा इस डो में हमको चीनी भी ऐड कर देनी है, और अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कीजिए। और बस हमारी रेसिपी बिल्कुल कम्प्लीटली तैयार है। अच्छे से डो बनाइए, डो बन गया है, पैन को छोड़ दिया अगर कढ़ाई ने, आप उसको उंगली में लेके छोटी सी गोली बना के चेक कर सकते हैं कि ईजिली अगर वो बन रहा है तो दैट मीन्स बन चुका है, और अगर वो गोला नहीं बन रहा है ठीक से तो वो नहीं बना है। तो देखिए ये तैयार है। अब आप इसको एक बार आटे को, जो हमारा ये जो डो तैयार हुआ है इसको हम एक बार जब ठंडा हो जाएगा तो इसको बहुत अच्छे से एक चम्मच देसी घी डाल के हम इसे हाथों से बहुत अच्छे से थोड़ा और मस लेंगे। जितना अच्छा हम इसको मस लेंगे उतना अच्छे बनेंगे हमारे मोदक। इस तरह से हम इसको और सॉफ्ट कर लेंगे क्योंकि घी डाल के जो है थोड़ा सा घी उसको ट्रांसपेरेंसी देगा, बाहर से चिकने चिकने स्मूथ दिखेंगे और बहुत सुंदर भी लगेंगे। बस आटे को हमने मसल लिया है, मोदक का जो मोल्ड आता है उसके हेल्प से बनाइए। चाहे तो आप बिना इसकी हेल्प के भी बना सकते हैं, शेप दीजिए, लास्ट में आपने गार्निशिंग जिस चीज़ से करनी कीजिए। और अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये मोदक बप्पा को वैसे भी प्रिय होंगे क्योंकि हमने ये अपने सच्चे मन से बनाए हैं। तो बप्पा को प्रसन्न करने के लिए आप इस सबसे आसान मोदक को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं इनको बनाने के बाद इनकी जो गार्निशिंग है वो मैं कर रही हूँ, थोड़े मेरे पास जो चीनी है वो मोटे मोटे क्रिस्टल वाली है उसको लगा कर। बाय बाय।